मैम बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ ज्वाइन किए मैम। बताइए। एक्चुअली आप लोग इनफर्टिलिटी के बारे में आज जानने के लिए आए हैं। मैं पहले ये पूछना चाहूंगी कि कितने लोग इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, या किन किन लोगों के पास इनफर्टिलिटी पेशेंट्स आते हैं? हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स मैम मैम को बता सकते हैं। बताएं, आते हैं पेशेंट्स आप लोगों जी सभी हेल्थ पार्टनर से अनुरोध है कि वो पास? अपने आप हेलो। हाँ जी, पंजीकरण हाँ जी, करके जॉब दे बोलिए। सकते हैं। हेलो। जी हाँ जी प्रणाम मैम। बोलिए। मैम हाँ प्रणाम, बताएं। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत मन धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हम लोग को दे रहे हैं। मैम हम लोग बहुत आभार हैं। मैम मेरे मेरे पास मैम पेशेंट आते हैं तो मैम मतलब कई जगह से इलाज करवाने के बाद आते हैं उस तो ठीक है, ओके। तो गुड है। मैम। इनफर्टिलिटी से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब क्या चीज हमको ट्रीट करनी चाहिए, क्या समझते हैं इनफर्टिलिटी से? मैम जैसे इन्फर्टिलिटी में मैम देखते हैं जैसे आते हैं किसी किसी में दो दो साल ढाई ढाई साल 3 3 साल में मैरिज हो गया है और उनको कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं। वो मतलब अलग अलग जगह मतलब गलत रॉन्ग मेडिसिन चल रही है उनके इस वजह से और फिर तो कुछ उनकी लापरवाही से ये सब में या उसको फेलियर मैम टू जैसे कंसीव विद इन, राइट राइट एग्जैक्टली बोला जाए तो फेलियर टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। कई लोग दूर रह रहे होते हैं, ठीक से करते नहीं है, उनको यही नहीं पता होता कि फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, इनफर्टाइल पीरियड कौन सा होता है। कई बार यहाँ भी मिस्टेक होती है ना? तो लाइक दैट, जी ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये पूछना चाह रहे थे कि आप किस किस तरीके के ट्रीटमेंट को यूज करते हैं? मैम ट्रीटमेंट मैम जैसे मैम क्या है कि ज्यादा तो मैम सीमेन एनालिसिस करते हैं। मैम सीमेन एनालिसिस करते हैं, सीमेन काउंटिंग, फिर मॉर्फोलॉजी, फिर एबनॉर्मल सीमेन, ये सब। हाँ, कई बार एक्चुअली हमारा जो इंडियन समाज है उनको तो यही कहा जाता है कि फीमेल में ही कमी होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार सीमन एनालिसिस करने के बाद हो सकता है कि सीमन में ही मोटिलिटी कम हो, तो हम उसको ट्रीट करते हैं, तो भी इनफर्टिलिटी को हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जी। हमारे पास पहले हमें ये भी पूछना रहता है कि हमारे पास इनफर्टिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं यूजुअली, एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसने कभी कंसीव किया ही नहीं, ठीक है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कंसीव तो किया था लेकिन या तो एबॉर्ट हो गया, कंटिन्यू नहीं हो पाया, या फिर एक बच्चा है और अब दोबारा से कंसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड यूजुअली जी। इनफर्टिलिटी काफी कॉमन होती है, 1 in 7 कपल्स को होती है अपने इंडिया में आजकल, एंड 1 in 7 कपल्स इज टू इम्पोर्टेंट, मतलब कितना कॉमन है ये। एंड मैम मेरा कि आपसे ये क्वेश्चन है कि मैम जैसे कि जियो पर पेशेंट देख रहे हैं अभी तक, तो मैम कि आपका सफर कैसा रहा है जियो के साथ अभी तक, और कितने आपने केस जो हैं ट्रीट किए हैं अभी इनफर्टिलिटी को लेकर के, या पीसीओडी ऐसी बीमारियों को आपने देखा है, अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैम अपना एक्सपीरियंस एक्चुअली हाँ, टाइम। यूजुअली एक्चुअली यूजुअली तो जो हमारे इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं ना, कॉमन कॉजेज, वो हमारे यहाँ आते भी हैं, हम इन लोगों को ट्रीट करते हैं, उसके बाद ये लोग कंसीव भी करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉजेज जो यूजुअली आते हैं वो एक पीसीओडी होता है, पीआईडी होता है, कई बार पेशेंट के फाइब्रॉइड होता है, बल्कि यूट्रस होता है, और कई बार ये मेल मेल की मेल कॉज होता है, सीमन एनालिसिस का जो कॉज होता है, ठीक है। सीमन एनालिसिस हम कराते हैं, कम होती है स्पर्म्स जिसमें, ठीक है। तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं लाइक दैट नो। तो अभी जो मेरा सफर है उसमें तो पीसीओडी ज्यादातर आता है, पीआईडी आता है, या पीसीओडी को पीआईडी को हम लोग ट्रीट करते हैं, या बल्कि यूट्रस होता है, फाइब्रॉइड होता है, उसको भी अगर हम ट्रीट कर देते हैं तो इनफर्टिलिटी हो जाता है, ठीक ठीक है। और मैंने कुछ एक पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि जिनका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है पर किसी ने उनका थायराइड ही नहीं कराया होता, ठीक है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी का,
ओके मैम, ओके तो इसीलिए नेवर मिस की पीसीओ, मतलब अल्ट्रा, कई बार तो ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कभी अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराया हो, ठीक है। तो हम यूजुअली, हमारे पास तो मेन जियो का जो सफर है उसमें तो मेन हमारे पास पीसीओडी, पीआईडी और ये थायराइड, ये पेशेंट्स आते हैं। और एक बार तो हमारे पास वो वाला पेशेंट भी आया था कि इनफर्टिलिटी, उस किसी को ये नहीं पता था कि वो डायबिटिक है, उसके रेकरेंट अबॉर्शन हो रहे थे और रीजन नहीं पता चल रहा था, और किसी ने उसका शुगर ही नहीं कराया, ओके मतलब मैम, ऐसा भी होता है मींस, ठीक है। तो वो डायबिटीज की वजह से उसको रेकरेंट अबॉर्शंस हो रहे थे। जब हमने उसका HbA1c कराया तो वो मतलब बहुत ज्यादा आया, ज्यादा मतलब 10, कैन यू इमेजिन, 6 इज नॉर्मल, 5 6, एंड इट वॉज 10.4। फिर हमने उसकी मेडिसिन स्टार्ट करी एंटी डायबिटिक, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ मेडिसिन शुगर भी कंट्रोल हो गया, फर्टिलिटी हमने ड्रग्स दिए, एंड शी गॉट कंसीव। ओके तो मैम, ये मेन कॉजेज होते हैं। कुछ लोग इसलिए कंसीव नहीं कर पाते कि पीआईडी है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दे देते हैं उनको, पीसीओडी है तो हमको उनको सारा ये देना होता है, ओवाब्लेस वगैरह जो भी हम देते हैं सिस्ट को रिमूव करने के लिए। कई बार बल्कि यूट्रस होता है, फाइब्रॉइड होता है, उसकी वजह से भी कंसीव नहीं हो पा रहा होता। और कुछ एक तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनका एट्रोफिक यूट्रस होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे आते हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड, मतलब इतने बहुत सारे नहीं, बट यस पेशेंट्स केम, 2 3 पेशेंट्स, नॉट मच, 2 3 पेशेंट्स ऐसे भी आए जिनका एट्रोफिक यूट्रस था। और इन जो बाकी के पेशेंट्स होते हैं उनमें एक ट्यूब ब्लॉकेज का भी काफी कॉज होता है। तो इन लोगों को हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो हम बताते हैं, ये लोग HSG कराते हैं। जब ट्यूब्स, एक्चुअली HSG कराने से ही ट्यूब्स खुल भी जाती हैं अगर बाई चांस ब्लॉक होती है, तो वो HSG कराते हैं और उसके बाद पेशेंट कंसीव करता है। तो दीज आर द मेन कॉसेस, मेन ओके मैम, पीसीओडी, थैंक यू। पीआईडी, बल्की यूट्रस, देन मेल में स्पर्म एनालिसिस, एंड देन ये डायबिटीज, हाइपोथायरॉइडिज्म, दीज आर द मेन कॉजेज जो मैंने अभी तक के जियो पैनल पे देखे हैं पेशेंट्स। ओनली 1 और 2 और 2 और 3 वाज एट्रोफिक यूट्रस ओके मैम, और मैम या ये बाइकॉर्डियल एंडोमेट्रोसिस, यूट्रस। मैम एंडोमेट्रोसिस ये भी एक कॉज होता है हाँ, इनफर्टिलिटी का। एंडोमेट्रियोसिस भी, ये भी एक कॉज होता है, ये भी एक कॉज होता है, पर ये जियो पैनल पे उतना कॉमनली नहीं आता जितना पीसीओडी, पीआईडी और बाकी के कॉजेज आते हैं। पीसीओडी और पीआईडी तो बहुत ही मेन है, ओके मैम, और मैम कॉन्टिन्यूअसली पेशेंट्स आते रहते हैं। पीआईडी है, वाइड डिस्चार्ज है, कभी वाइड डिस्चार्ज ट्रीट हुआ ही नहीं, करते ही नहीं ट्रीट, मतलब करते भी हैं तो दे डोंट टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। यस मैम, और फिर एक्चुअली एक टैबू होता है ना कि फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है, उस टैबू की वजह से ना थोड़ा एक स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक कॉज होता है, सीरियसली बिलीव मी, स्ट्रेस भी एक कॉज होता है। हमें पेशेंट की काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से करनी होती है क्योंकि स्ट्रेस भी एक कॉज होता है। और उनका एक इनफर्टिलिटी एक ऐसा टैबू है जिसके लिए हर कोई फीमेल को ही बोलता रहता है, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, लाइक दैट करके। तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमें पेशेंट में रिमूव करना होता है और उससे कॉन्फिडेंस देना होता है कि यस होगा, होगा, जरूर होगा, बी पॉजिटिव एंड लाइक दैट। तो एक माइंड गेम भी होता है ये, रियली बिलीव मी, माइंड गेम भी होता है। ओके मैम, मैम थैंक यू सो मच मैम, ठीक आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और हमारे जो हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं, मैम से कोई क्वेश्चन है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ भी कोई कंफ्यूजन हो, मेरे बताने में कुछ क्लियर ना हो पाया हो, मतलब आप काउंसलिंग को भी इक्वल इम्पोर्टेंट पार्ट मानिए ट्रीटमेंट का। आप काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट को खुश रहने को बोलेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बोलेंगे, एक हेल्दी डाइट बोलेंगे, तो बहुत फर्क पड़ेगा। एंड हेल्दी डाइट से मुझे याद आया, कई बार पेशेंट इसलिए भी कंसीव नहीं कर पा रही होती है कि एनीमिया होता है, ओके मतलब मैम, उसमें इतना होता ही नहीं है कि वो कंसीव कर पाए। उसके बाद कई बार एनीमिया भी एक रेकरेंट एबॉर्शन का कॉज बन सकता है, बन जाता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जी डॉक्टर साहब, आप पूछ सकते हाँ हैं जी, कुछ क्वेश्चन मैम पूछना से। चाह रहे हैं? हाँ पूछिए। नहीं दिए थे दर्दी और खांसी वाला, दर्दी बुखार नहीं दिए थे अपना, मुझे नहीं दिए थे सरकार वो। क्या रात मतलब है ऐसे कहीं हम दिमाग में। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। हाँ, पता नहीं चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद सर, आप पूछ सकते हैं मैम से क्वेश्चन।
सरफराज अहमद सर कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी? सर जी हेलो जी जी सर सर जी जी बोलिए, आई मिस सी, टेल मी, आज किया जी। मैम, हमारे एक पेशेंट थे, उनको जो है कि अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं और उनकी एज जो है 34 हो गए हैं, 34 साल एज हो गए हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, हमारे वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए थे, हमने उनको बता एज दिया ऐसी कोई ज्यादा एज नहीं है? 34 ईयर्स ऐसी ज्यादा एज नहीं है। यूजुअली हम लोग ना एक एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कराते हैं, एएमएच, एक टेस्ट होता है एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है। उससे हमको ये पता चलता है जो ओवरी है फीमेल की, वो कितने ओवा, अच्छी ओवा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और उसका एक मेडिसिन भी आता है जिससे हम मतलब उसको एक अच्छा मतलब ओवा की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती है। एएमएच टेस्ट होता है, और 34 ईयर्स ऐसी कोई एज नहीं है कि बच्चा ना हो सके उसका। यू कैन जी कॉल हर नेक्स्ट ओपीडी, जी मैम, ठीक अगर वो आते हैं तो हम आपसे कंसल्ट वगैरह जैसे होता है कराते हैं। है। हाँ जी ओके, बिल्कुल, ठीक, थैंक यू मैम। ओके। और कुछ? थैंक यू मैम। डॉक्टर सुरेश सुरेश चंद्रा जी, आपका कोई क्वेश्चन? सर सर आप म्यूट पे हैं, सर अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, 2 मिनट्स, आई विल गेट बैक विद यू, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके मैम, ओके। डॉक्टर साहब 2 मिनट में आ रही है मैम, अभी दर्द वेट कर लीजिए। नहीं कर सर 2 मिनट में आ रही है मैम, बस। यस, आई एम सॉरी, आई टुक अ ब्रेक, नो। यस, एनी अदर जी डॉक्टर क्वेश्चंस सुरेश एनीबडी चंद्रा वांट जी, टू आप पूछ आस्क? सकते हैं मैम से क्वेश्चन। हेलो, हाँ हाँ जी जी सर, बोलिए। अभी मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस सर, जी, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी केस हो, पीसीओडी, पीआईडी ऐसा करके, या बल्कि यूट्रस मैम जी, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कितने दिन चलना चाहिए? या फिर दूसरा ये कि पेशेंट को हम लोग कैसे समझाएं कि ये ट्रीटमेंट इतने दिन चलेगा? एक्चुअली ना, पेशेंट आधा होपलेस हो जाता है, आधा ट्रीटमेंट लेने के बाद वो सोचने लग जाता है कि आराम नहीं आ पा रहा, ये करके वो करके, ये थोड़ा सा। हेलो, एक्चुअली ना यूजुअली थोड़े हार्मोन्स, हार्मोनल ट्रीटमेंट में कम यूज करती हूँ, क्योंकि हार्मोनल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली उनका इफेक्ट तो होता ही है, मैं करती भी हूँ वैसे, लेकिन वो क्या होते हैं कि वो परमानेंट आपको ट्रीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ आयुर्वेदा से, कुछ डाइट एडवाइस से, इन सबसे हम उनको ट्रीट करें, तो वो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो थोड़े लंबे चलते हैं एक्चुअली। तो उनको हमें ये समझाना होता है कि आप हफ्ते हफ्ते या 15 दिन 15 दिन में आकर के दिखा भी रहे, ताकि आपका आपको कुछ मेडिसिन चेंज करना है, कुछ हटाना है, कुछ बढ़ाना है मेडिसिन में, तो बढ़ा सके। तो उनको ये काउंसलिंग जरूरी होती है, उनकी ये काउंसलिंग जरूरी होती है कि आपको ट्रीटमेंट कम से कम 6 to 8 weeks चलेगा। तो अगर उन्हें आप पहले ही से प्रिपेयर कर देंगे कि 6 to 8 weeks ट्रीटमेंट चलेगा, तो उनके दिमाग में, माइंड में एक बात सेट हो जाती है कि मेरे को ट्रीटमेंट 6 to 8 weeks का लेना है, ठीक जी, है। असल में ना, हाँ, और असल में बात यह है कि एक पेशेंट मेरे पास था, तो वो करीब करीब 6-7-8 डॉक्टरों को दिखा चुके, बट उनका काम नहीं हो पाया। तो
तो होता यह है कि जब दो चार जगह पेशेंट जाता है उसको रिलीफ नहीं आता है तो बाद में थोड़ा सा होपलेस हो जाता है। हाँ ये होता है, तो और काउंसलिंग इज मेरे मेन, मरीज आई के टोल्ड साथ यू। ऐसा हुआ भी। हाँ तो यही जी मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। उनको ये समझाना होता है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बाकी के डॉक्टर्स से डिफरेंट है। अगर हम ये बोलेंगे कि बाकी के डॉक्टर से डिफरेंट है तभी तो पेशेंट को लगेगा कि कुछ बेटर ट्रीटमेंट होगा। हम अगर बताएंगे ही नहीं तो वो सोचेंगे कि अरे जैसे सबने दिया वही वही होगा सब कुछ, है ना। और तो उनको ये दूसरा बताना रहता है कि ये जो ट्रीटमेंट है बाकी के डॉक्टर से डिफरेंट है और ये लंबा चलेगा जी लेकिन अच्छा करेगा और ठीक होगा। तो एक पॉजिटिव अच्छा जी एफर्मेशन देना इज वेरी नेसेसरी, ठीक मैंने है। उनसे ये बात कही थी, आप आपको लेकर मैंने बता उनको ये बात की थी कि जो है मेरे पास एक डॉक्टर साहब हैं उनको आप दिखा लीजिए, वो बहुत अच्छा इस विषय में काम करती हैं। तो वो कहने लगे कि एक्चुअली वो कुछ जांचें वगैरह, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपनी अपनी जांचें करवाते हैं, तो उनकी जांचों के हिसाब से ना हाँ थोड़ी तो जरूरी भी उनके जी होती है। उनके जो हस्बैंड थे जांचों के हिसाब से उनमें थोड़ा सा कमी थी मुझे जो लगा देखकर। तो अच्छा मैंने उनको बताया भी कि ओके आपके हस्बैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मेरे पास एक बार दिखा लीजिए डॉक्टर साहब को। तो फिर अभी जब आते हैं तो मैं आपसे बात करवाता हूँ, एक्चुअली वहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट को, जैसे बता दिया गया कि एक महीने इलाज लिया, 2 महीने इलाज लिया, उसके बाद पेशेंट चला जाता है। तो ये प्रॉपर बताने का मैंने इसलिए आपसे पूछा कि जैसे पेशेंट को मैं बता रहा हूँ उसको, तो कितने दिन बता दूँ नॉर्मल की, इतने दिन आप लीजिए तभी आपको रिस्पांस दिखेगा। आप कम से कम उसे बोलो कि अभी 6 से 8 हफ्ते का समय लगेगा ही लगेगा। मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ अगर देखो ये ट्रीटमेंट दे रही हूँ तो 6 से 8 हफ्ते का समय लगेगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि इनफर्टिलिटी के लिए मैं ट्रीट कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि 2 से 3 महीने लग जाएगा, बाकी अगले महीने भी कंसीव हो सकता है। और वैसे 2 से 3 महीने लग जाता है, बाकी भगवान की मर्जी है, ठीक अच्छा है जी, ना। दूसरा और एक बाकी छोटा सा एक क्वेश्चन मैम, जी सर पूछिए वो ये जैसे बीच बोलिए। में किसी, आप मान लीजिए मेरे पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है अपना जियो पैनल से, और बीच में कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को किसी लेडी डॉक्टर को फिजिकली दिखाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई। अब प्रेगनेंसी के बाद उसको भाई तो दिखाना ही पड़ेगा। चलो उससे पहले की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि आ, आ, पेशेंट दिखा रहा है और उसकी ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको कोई अल्सर हो गया या कुछ भी ऐसा ब्लीडिंग का कॉज हो गया जिससे उसको लोकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, तो फिर वो कराना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता कि ऑनलाइन पे आपको कभी फिजिकली दिखाना ही नहीं पड़ेगा। वैसे ज्यादातर ऐसा होता है कि ऑनलाइन पे ट्रीट हो जाता है, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन हाँ कुछ कॉजेज ऐसे भी निकल आते हैं जिसमें नहीं हो पाता, हम बोलते हैं नहीं आप फिजिकली करा लीजिए। वैसे ऐसे पेशेंट्स कम होते हैं, ज्यादातर हो जाता है ऑनलाइन। जी, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, थैंक यू, वेलकम। मैम, गुड और इवनिंग। कुछ, मैम थैंक यू सो और मच। कुछ? हाँ जी सर, हेलो। पूछिए सर मैम से हाँ क्वेश्चन। जी हाँ जी गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, बताइए बताइए। गुड इवनिंग, कौन पूछ रहे हैं? मनोज त्रिपाठी बोल रहा हूँ, चित्रकूट से, श्री राम जी इमेज क्लिनिक से। मैडम अच्छा, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। एक पेशेंट है मेरे पास, उनका हीमोग्लोबिन 6-7 ग्राम हमेशा बना ही रहता है, लेडी पेशेंट है। तो उनको जो है मैंने कई ट्रीटमेंट दिए जो है, लेकिन हीमोग्लोबिन उतने से उठ नहीं रहा, उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपने उनका HPLC कराया कि कहीं थैलेसीमिया तो नहीं है? ये नहीं, वो तो नहीं कराया वही कराना है, क्योंकि ये हमें जी। पता होना चाहिए ना कि भाई उनको मतलब कॉज पता करना भी जरूरी है हमको, ठीक जी है। तो कॉज पता नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम एनीमिया का ट्रीटमेंट तो कर देंगे लेकिन जी हमें कॉज नहीं पता होगा तो वो प्रॉपर नहीं होगा ना, वो फिर से खून की कमी हो जाएगी, फिर हमें फिर वही आयरन टेबलेट देना जी है कौन ना। सा टेस्ट बताई है? HPLC कराते हैं ना उसके लिए। HB। हेलो। HPLC अच्छा। मनोज जी, जी वैसे मैं आप चाहूंगा कि आप एक बार डॉक्टर से ना पेशेंट को दिखवाओ और फिर डॉक्टर आपको सुजेस्ट मैं भी यही करेंगे बोलने उसका। वाली थी हाँ जी कि आप एक बार दिखवाइए, मैं उसकी कंप्लेंट्स पूछती हूँ, बाकी के जो उसने टेस्ट करा रखे हैं वो देखती हूँ, क्योंकि एनीमिया के भी ना कई टाइप्स होते हैं।
मान लीजिए पेशेंट को थैलेसीमिया है, ये सिकल सेल एनीमिया है, पेरिफेरल एनीमिया उसका अक्वायर क्यों नहीं हुआ, तो सच में न्यूट्रिशनल ही है। कई पेशेंट्स पे न्यूट्रिशनल भी होता है, दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। वुमेन इन इंडिया स्पेशली रिमोट एरिया वाली, दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। हो सकता है डीवॉर्मिंग ना हुई उनकी, वॉर्मिंग टेस्टेशन सही हो रहा है ना। तो एक बार दिखाना वैसे जरूरी है, सिर्फ एक टेस्ट कराने से तो नहीं होगा। ठीक, कल मैं दिखाता हूँ आपको ऑनलाइन। ठीक है, कल दिखा लीजिए ओके 12 बजे ठीक के बाद। है मैडम, एनी अदर क्वेश्चन? नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। जी गुड सर, इवनिंग, बताइए। मैडम मैं बोल रहा हूँ, एक ही पेशेंट है, लगभग एज अबाउट 22 से 24 ईयर, वो इनफर्टिलिटी है। मतलब कि जो आप बात कहे थे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, तो मुझे लगा वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आ रही है, क्योंकि 1 साल पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी, फिर वो कॉन्सेप्ट वो नहीं हो पाया, फिर एक महीना के अंदर ही वो खराब हो गया मैम। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा मतलब? एक्चुअली ना फर्स्ट टाइम, मतलब स्पेशली इन यंग वेमेन, प्राइमरीली कंसीव करने के बाद फर्स्ट अबॉर्शन बहुत कॉमन होता है, जिसका कई बार कोई रीजन नहीं मिलता। ठीक है, तो लेकिन हमें उसका ट्रीट और इन्वेस्टिगेट तब कराना होता है जब प्राइमरी इनफर्टिलिटी हुई, अबॉर्शन हुआ, और उसके बाद फिर कंसीव नहीं हुआ, दैट इज कंसीव नहीं हुआ कंसीव। मैम, ये कंसीव हाँ नहीं, उसका एक भी बच्चा नहीं है मैम, और 5 साल अबाउट हो गया है शादी का, और ठीक इधर है, उधर और छोटा फिर छोटा बाईस जगह से दिखा चौबीस रहा। साल ऐसी कोई खास उम्र भी नहीं होती, 22 से 24 साल में यूजुअली बहुत जल्दी कंसीव होता है। जी जी मैम, ठीक है, तो उसके लिए हमें सारे टेस्ट एंड ऑल कराने होते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, कहीं ऐसा ना जी हो जी कोई फाइब्रोसिस हो गई हो पिछले एबॉर्शन से, है जी जी ना। और या फिर हमें उसका थायराइड चेक करना चाहिए, वही मैंने बोला ना, थायराइड शुगर तो कभी मिस नहीं करना चाहिए, थायराइड जी शुगर जी एंड अल्ट्रासाउंड, और ओके मैम, एनीमिक के लिए वो पेशेंट आती तो मैं दिखाता हूँ मैम। दूसरा पेशेंट है हाँ जो जी। उनका सोनोग्राफी में दिख रहा 28 से 30 एज है उनका, और शादी का लगभग 10 ईयर्स हो गया है, ठीक है, और उनका सोनोग्राफी में शो कर रहा बोथ ओवरीज आर नॉट सीन, बोथ ओवरीज नॉट सीन, इस तरह करके दिख रहा, तो ऐसा क्यों हुआ मैम? ओके, एक्चुअली हो सकता है कि कुछ कुछ इसमें कंजेनिटल डिफॉर्मिटी रही हो, एक अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना चाहिए उनको कहीं अच्छी जगह से, और अगर फिर भी मैडम ऐसा ही ये आता है तो बार बार हो रहा, तो मैं उसको IVF इनफर्टिलिटी सेंटर में दिखा रहा, तो वहां से वो लोग बताया कि जो चांस है होने का बहुत ज्यादा, तो क्या वहाँ सक्सेस रेट सही है मैम, IVF इनफर्टिलिटी जो होता है? हाँ, वहाँ भी सक्सेस रेट सही है। एक्चुअली वो लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ओवरी नहीं दिखाई दे रही है, उसके ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, ओवा किसी और के ले लेंगे। जी जी मैम, ठीक वो है, बताई थी। और हस्बैंड का स्पर्म ले लेंगे, तो उससे वो एग को उसमें डाल देंगे। आईवीएफ में क्या करते हैं, यही तो करते हैं, अगर वेमेन जी मतलब मदर का या वेमेन का स्पर्म ओवा नहीं ले रहे हैं, तो दूसरे वेमेन का ओवा ले लेंगे, उनके पास वो फ्रीज रहते हैं, तो वो किसी और जी का ओवा लेके फिर उन्हीं के यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, वो हो जाएगा कंसीव। दिस इज जी ओनली क्योंकि आईवीएफ। 10 साल से बेचारी बहुत परेशान है मैम, और तो मेरे पास आई तो मैं उसको सजेस्ट किया कि आपके तो बहुत ओवरीज ही नहीं सीन दिख रहा, और बार बार सोनोग्राफी में रिपीटेड इनको वैसे ही तो हो वो रहा। करवाना ही पड़ेगा, मतलब इनका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ओवरी नहीं दिख रहा तो उनको ओवा किसी और के लेने पड़ेंगे, तो जब ये ओवा जी किसी और के लेंगे तो आईवीएफ सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा, वो ओवा किसी और के लेके हस्बैंड के स्पर्म से मिला के उसको इम्प्लांट कर देंगे यूट्रस में, तो एम्ब्रियो मैम इम्प्लांट कर, मैं आपसे जानना चाह हो रहा जाएगा मैम, इसका। IVF सेंटर में तो माने कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इसका होने की तो चांस हो जाएगी ना? हाँ, आजकल तो बहुत अच्छा चलता है आईवीएफ, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता, पर फिर भी ज्यादातर हो जाता है आजकल, कभी प्री टर्म भी हो जाती है, कभी सेकेंड अटेम्प्ट में भी होता है, दो अटेम्प्ट तो सारे आईवीएफ देते हैं। वो पेशेंट मेरा खुद रिलेशन में मैम, तो मैं खुद उनको ले गया था IVF, तो वहां से मैडम अच्छा समझाई, बोली थी 95% हम लोग चांस देंगे कंफर्म हो जाएगा, इस पर बोली हो थी। जाता है ज्यादातर आजकल, अच्छा रहता है ये, टेक्निकल जी चीजें जी आ गई जी हैं, बहुत चीजें एडवांस हो गई हैं, तो लाइक दैट। जी थैंक यू मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? DRX विजय सर, गुड क्या बताएं? इवनिंग मैडम। हम एक पेशेंट हैं, बताएं। क्या नाम उनका, शादी जब हुआ था तो एक बच्चा रुका था, 7 महीने बाद नॉर्मल हो गया था, बच्चा भी ठीक है, इंस्पायर हो गया। उसके बाद में हाँ, उसके बाद लगभग 2 साल से कंटिन्यू, 2 साल से दवा चला रहे देखो, हैं, नहीं कहीं हाँ रुक रहे हैं। अगर एक बार एक्चुअली क्या है कि प्राइमरी
प्राइमरी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना उतना जितना डिफिकल्ट होता है उतना डिफिकल्ट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को नहीं होता ट्रीट करना। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज इजियर टू ट्रीट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार कंसीव हुआ है तो दूसरी बार चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके कभी नहीं हुआ उसको ज्यादा मुश्किल होती है। तो अगर उसको नहीं हुआ है तो हमें वही सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, उनका अल्ट्रासाउंड, कोई फाइब्रोसिस तो नहीं हो गई प्राइमरी प्राइमरी कंसीविंग की वजह से, थायराइड तो नहीं हो गया इस बीच में, शुगर तो नहीं कम हो गई, कम तो नहीं होती है ज्यादा हो गई, और जगह तो नहीं ब्लॉक हो गई, हार्ट कहीं कहीं कोई रेट का डॉक्टर स्लो बताएं कि एनालिसिस माइग्रेन बताएं। माइग्रेनेट बता रहे हैं कि आ रहा है, कहीं दिखाएं कोई डॉक्टर बताएं माइग्रेनेट और ट्विप कोई बता रहे हैं कि ब्लैक ब्लॉक हो गया है, ऐसा कुछ हो सकता हाँ है? तो उसके लिए फिर हाँ हो सकता है ट्यूब ब्लॉक, कई बार हाँ हाँ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कॉज ट्यूब ब्लॉकेज होता है, तो उसके जी लिए उन्हें हिस्टोसेल्पिंजियोग्राफी कराना पड़ेगा। अच्छा एचएसजी अच्छा होता है ना, उसमें वो एक डाई इंजेक्ट करते हैं, जब वो डाई ट्यूब के थ्रू जाती है और बाहर निकलती है उस समय पे ट्यूब्स खुल जाती है, ठीक है। और अगर ब्लॉकेज ज्यादा होती है तो कई बार नहीं खुल पाती है, उसके फिर उन्हें सर्जरी करानी पड़ती है। ओके ओके, वही हमने कहा कंफर्म कर लें, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो तो बुलाएं पेशेंट को, दिखा नहीं दें। नहीं इसमें ऑनलाइन का कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो हमें या तो उसको मतलब कैसे भी हमें ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑफलाइन ही हमें या तो डाई इंजेक्ट करके उसे खोलना पड़ेगा। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है वो तो गायनेकोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स देख के डिसाइड करेंगी, तो हमें एक जी सर्जरी करना पड़ेगा जिससे हम ट्यूब्स खोल पाए, तो जी उसमें ऑफलाइन नहीं हो सकता। ट्यूब ओके ब्लॉकेज का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक बात ठीक है इधर थैंक उधर। यू मैम, बस जस्ट यही कन्फर्म। ओके थैंक यू सो मच मैम। और कुछ? सरोज कुमार जी आप पूछ सकते हैं मैम से क्वेश्चन। हेलो हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी, नमस्ते बताइए। मैम जी, हम ये जानना चाहते हैं, वैसे तो बहुत सारे केस हम डील किए हैं जिसमें केवल आयरन फॉलिक प्रोटीन पाउडर और ओमेगा 3 देने से ही बिल्कुल उसका कंसीव हो कंसीवमेंट हो जाता है गया था। न्यूट्रिशनल। हाँ बिल्कुल जी, हम ये मतलब इस टाइप में लोग हमको कहता है कि ये चल जाइए उनके यहाँ, ऐसा बहुत सारा पेशेंट आते हैं, लेकिन कुछ तो कुछ वो केस कभी में कभी ना आते भगवान की हैं। ब्लेसिंग भी होती है आपके पास, जो जी भगवान ने आपको दी हुई है कि चलिए जाइए करके, वो एक भगवान की ब्लेसिंग भी होती है, और फिर कुछ आपका गुना तजुर्बा वो भी तो एक चीज होती है ना। हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम कंसीवमेंट का जो चांस बनता है वो डेट जो है वो डेट कौन सा डेट होता है? वैसे तो हम लोग, और ये मेंस पीरियड जब होता है उसके 11वां से 17-18 दिन वाला ये बीच वाला टाइम उसको बताते हैं, तो उसके लिए कौन सा टाइम बेहतर रहता है दोनों आदमी को एक साथ होने का? एक्चुअली अगर हम वेमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे वन को डे वन मानते हैं, जिस दिन पीरियड्स आया वो डे वन हो गया, ठीक है, तो डे 8 से डे 18 तक मैक्सिमम चांस होता डे 8 से डे 18। है। डे 8 से डे 18 तक मैक्सिमम चांस होता अच्छा, मतलब लगभग 10 डे, डे 8 से ही हम है, लोग लगभग वैसे। 10 डेज, और उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक कहें तो 10 to 16 में और ज्यादा चांस होता है। अच्छा, 10 से 16। वैसे 8 से 18 बोल देते हैं, बट 10 to 16 मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, तो ये भी हमें पेशेंट को बताना रहता है कि इन डेज में अगर ये करेंगे तो कंसीव होने का चांसेस ज्यादा है। अच्छा, और ये ठीक है। दूसरी बात, ट्यूब ब्लॉक के केस में जो सर्जरी होती है उसका सक्सेस रेट मतलब है अच्छा है क्या? एक्चुअली ऑल डिपेंड्स ऑन द गायनोकोलॉजिस्ट। वैसे कई लोग ऐसा करते हैं कि अगर छोटी उम्र है तो मान लेते हैं कि ट्यूब ब्लॉक के लिए सर्जरी कर देते हैं और फिर नॉर्मल कंसीविंग के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी एज बड़ी होती है तो दे डोंट वेस्ट टाइम, वो बोलते हैं कि आप IVF करो, ठीक है, क्योंकि एज बड़ी होती है तो ट्यूब ब्लॉक वाली सर्जरी उतनी सक्सेस नहीं हो पाती यूजुअली। तो अगर ट्यूब ब्लॉक वाली सक्सेस नहीं हो पाई फिर दोबारा से IVF कराना, तो पेशेंट थक जाता है उसमें। और फिर ये भी होता है कि उस समय तक आते आते फिर IVF का भी चांस थोड़ा सा कम होने लगता है। तो अगर पेशेंट की एज बड़ी है तो सीधे IVF, नहीं तो फिर ट्यूब ब्लॉकेज की सर्जरी सक्सेस देती है छोटी एज में, लाइक लेस देन 30, 32। उसमें जैसे मतलब सर्जरी का क्या एक्सपेंस आता होगा लगभग मोटा मोटी? मतलब एक्सपेंस क्या आता होगा? हाँ एक्चुअली हाँ ये तो डिपेंड सर्जरी। करता है, ये तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, नर्सिंग होम टू नर्सिंग होम डिपेंड करता है। अच्छा,
ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट टू गायनाकोलॉजिस्ट, नर्सिंग होम टू नर्सिंग होम, फिर भी अगर सर्जरी कराते हैं कहीं कहीं पर 30,000 में भी हो जाती है, 30-40,000 में, कहीं 1 लाख रुपए भी लग जाते हैं। तो ये हाँ कह ये पाना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। जगह प्लेस कौन सी है, छोटे शहरों में थोड़ी सस्ती सर्जरी हो जाती है, अब दिल्ली में कराओ तो 1.25 लाख से कम की कोई सर्जरी नहीं होती, यस मैम ऐसे होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और हेलो, कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन हाँ करना बताएं, चाहे? कौन पूछना चाह रहे हैं? हेलो हाँ मैडम, बोलिए। ट्यूब ब्लॉकेज वाला जो है आपके यहाँ वहाँ व्यवस्था है तो पेशेंट वहीं हरियाणा में इस समय कहीं दवा करवा रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो तो वहीं भेज हाँ भेज सकते दें हैं आपके हम पास। पता करके, हाँ आपको बता देंगे, आप बात कर लीजिएगा एक बार तो भेज सकते जी हैं। जी ठीक है मैम, ठीक जी मैडम, थैंक दबा यू। डायग्नोस्टिक जी, आप पूछ सकते हैं मैम से क्वेश्चन। हाँ जी मैम, नमस्ते हाँ नमस्कार। मैम। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मतलब हार्मोनल टेस्ट कराएं, LHFSH, प्रोलैक्टिन, AMH वगैरह सारे नॉर्मल हैं, अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल है, और हस्बैंड के भी रिपोर्ट में लगभग नॉर्मल ही रहता, थोड़ा बहुत काउंट का डिफरेंस आया, तो क्या ये कारण हो सकते हैं या फिर और भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं, होता है? कई बार एक्चुअली क्या होता है कि इडियोपैथिक भी होती है जिसका हमें कोई कॉज नहीं मिलता, और ज्यादातर सच बताऊं तो इडियोपैथिक भी बहुत कॉमन होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पेशेंट को पहले एक पॉजिटिव एफर्मेशन देनी होती है, ठीक है, और पेशेंट की डाइट अच्छी रखनी होती है, लाइफस्टाइल अच्छा रखना होता है, खुश रहने को बोलना होता है, और बाकी फर्टिलिटी ड्रग्स देनी होती है। यूजुअली अगर हम क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं ना, तो ये एक जी ओव्यूलेटरी ड्रग्स है, ये एक अच्छे ओवा निकालती है, मतलब हेल्दी ओवा को प्रोड्यूस करती है क्लोमिफेन सिट्रेट, तो वो हम ट्राई कर सकते हैं। अभी एक पेशेंट हाल फिलहाल में था, तो उसका लगभग ऑलमोस्ट सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे, बस उसका CVC में केवल प्लेटलेट अक्सर उसका हमेशा लो रहता है, मतलब 70 कितना 80 लो? 70 हज़ार, 80 हज़ार, बस इससे एबव नहीं जाता, तो क्या ये तो भी वो रीजन भी हो एक सकता आईटीपी हो सकता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, वो भी एक आईटीपी है, उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट इतना कम रहता है तो पेशेंट कंसीव नहीं कर सकते, ठीक। जी? उसके लिए हमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो कंसीविंग के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, तो उसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, सिर्फ हमें ओव्यूलेटरी ड्रग्स देने हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट जो हम लोग यूज करते हैं उसकी काउंसलिंग करनी है, फिर देखते हैं बाकी के टेस्ट क्या है। थायराइड और फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। फास्टिंग HbA1c तो नहीं कराया पेशेंट, बाकी ये फास्टिंग PP वगैरह ये सब तो चिंता। करा सकते हैं हाँ नॉर्मल, वो ठीक नॉर्मल है, एक बार है, मैं कोई उस बात नहीं। पेशेंट को तो आपका जो है कंसर्न कराता हूँ, उसके बाद हाँ एक बार जी करा दीजिए आप हमसे कंसल्ट, फिर हम देख लेते हैं क्या बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए। जी मैम बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन करना चाहते हैं? हेलो, जी डॉक्टर बताएं। साहब। जी गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये है हाँ जी बताएं बताएं। कि इनफर्टिलिटी में अल्ट्रासाउंड के अलावा मोस्ट मतलब टेस्ट कौन कौन से रहते हैं? जरूर टेस्ट कौन कौन से करवाने रहते हैं मतलब लोगों? अभी जैसा मैंने आपको बताया, उसके लिए एक CBC कराना जरूरी होता है, थायराइड प्रोफाइल जरूरी होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर जरूरी होता है, और अगर थोड़ी सी बड़ी एज है या सब कुछ नॉर्मल है फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो एंटी मलेरियल हार्मोन कराते LHS, FSH वगैरह वो भी करवाना रहते हैं मैम? हैं। हाँ वो भी कराना रहता है, पहले ये मेन होते हैं, बाकी LSH, LH, FSH वो सब आप करा सकते हैं, और सीमन एनालिसिस ऑफ हस्बैंड, जी ठीक है, थैंक ठीक यू है। मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ ज्वाइन किए हैं, ठीक है, ओके, हमारे हेल्प धन्यवाद, पार्टनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, थैंक यू मैम। ओके। हम लोग